हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आई टीच यू जनरल एक्सरसाइज एंड वार्मिंग अप एक्सरसाइज। एनी स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी स्टार्ट इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो any sports and activity start to finish in five parts. Part number one, general exercise and warming up exercise. Part number two, stretching exercise. Part number three, specific exercise related to sports and activity. Part number four, main sports and activity. Part number five, cool down and levering down. Mary, I humble request all of you daily, whole life, 40 to 45 minutes अपने ऊपर physical fitness में दीजिए। उससे आप हमेशा physically और mentally fit रहेंगे। उसके अलावा डाइट हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। मिक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट का की फंक्शन है रिफ्यूल, फ्यूल टू ब्रेन, आरबीसीज। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी को रिकवर करती है। विटामिन्स ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इसका की फंक्शन है एंटीऑक्साइड कॉन्टेक्स, ये हमारी बॉडी को एंटीऑक्साइड से बचाती है। उसके बाद है विटामिन डी का की फंक्शन है बोन हेल्थ एंड प्रोटेक्ट टू इंजरीज। उसके बाद आता है बी ट्वेल्व हमारे आरबीसीज को रिकवर करते हैं। उसके बाद मिनरल्स में आयरन का की फंक्शन है HbO2 क्राइंगिंग कैपेसिटी। उसके बाद कैल्शियम्स का की फंक्शन है बोन हेल्थ, मसल कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोल्स, वाटर। अगर ऐसे हम बात करें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के अब हम अपने मेन एक्सरसाइज पे आते हैं, जनरल एक्सरसाइज एंड वार्मिंग एक्सरसाइज। जनरल एक्सरसाइज और वार्मिंग एक्सरसाइज करते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब भी हमें स्टार्ट करनी है जनरल एक्सरसाइज या वार्मिंग एक्सरसाइज, अगर हम हेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो टो पे जाके हमें फिनिश करना है। अगर टो से फिनिश कर रहे हैं तो हेड पे आगे फिनिश करना है। ये नहीं कि कहीं भी बीच में से स्टार्ट किया और कहीं ऊपर नीचे कहीं से भी कर दिया। इसका एक रूल है, या तो हेड टू टो या टो टू हेड। सेकेंड, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा बॉडी और हमारा सांस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा सांस कहीं चल रहा है, जबरदस्ती सांस ले रहे हैं, बॉडी हमारी अलाउ नहीं कर रही है। तो बॉडी और सांस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल एक्सरसाइज एंड वार्मिंग एक्सरसाइज। जनरल एक्सरसाइज हम वार्मिंग से करेंगे, तो हम पहले रनिंग करते हैं। सो 4 से 5 मिनट तक स्लो रनिंग, जॉगिंग।
देन नेक की एक्सरसाइज, नेक की 4 एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज अप एंड डाउन नेक. सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे. 5 टाइम करनी है एक्सरसाइज. सेकंड एक्सरसाइज, सांस छोड़ते हुए राइट सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर. 5 टाइम करना है. एक्सरसाइज नंबर 3, लेफ्ट एंड राइट टर्न. सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए फ्रंट राइट फ्रंट. 5 टाइम. नेक की 4 एक्सरसाइज नंबर 4, नेक रोटेशन डाउन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. 5 टाइम करना है. यस, शोल्डर एक्सरसाइज. वन टू थ्री फोर फाइव. स्लो करना है, रिवर्स. वन टू थ्री फोर फाइव. एल्बो एक्सरसाइज. वन टू थ्री फोर फाइव. रिस्ट एक्सरसाइज. वन टू थ्री फोर फाइव. रिवर्स. वन टू थ्री फोर फाइव. फिंगर्स. वन टू थ्री फोर फाइव. अब हैंड्स की एक्सरसाइज फ्रंट में. अप एंड डाउन 5 टाइम. साइड एक्सरसाइज हैंड्स. वन टू थ्री फोर फाइव. हैंड्स बैक एक्सरसाइज. वन टू थ्री फोर फाइव. चेस्ट एक्सरसाइज. वन टू थ्री फोर फाइव. ट्रंक रोटेशन. क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. चेंज.
चेंज साइड बेंडिंग Yes. Thigh and knee exercise 5 times. Yes. Toe rotation, right leg, toe rotation clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, anti-clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, left leg, clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, anti-clockwise, 1, 2, 3, 4, 5. तो आज की हमारी जनरल एक्सरसाइज एंड वॉल्यूमिक एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। आपको ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में 5 टाइम करनी है, और जैसे जैसे देखोगे आप 5 टाइम, 1 वीक के बाद आपको अपनी बॉडी में एनर्जी और बॉडी फिटनेस में थोड़ा बदलाव नज़र आएगा। तो धीरे धीरे इसको आप, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफ़िकल्ट, तो जैसे जैसे आप इसकी एक्सरसाइज को 5 की जगह 10 कीजिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 15 डेज में 20 कीजिए, तो जैसे जैसे आप इसकी एक्सरसाइज को बढ़ाओगे आपकी बॉडी फिजिकल फिट एंड मेंटली फिट आपको खुद ही महसूस होने लगेगा इसके बारे में। इससे पहले मैं 3 वीडियो भेज चुका हूँ। पहली वीडियो का टॉपिक था एथलेटिक इवेंट्स, दूसरी वीडियो में टॉपिक था योगा, थर्ड वीडियो में टॉपिक था कपालभाति एंड प्राणायाम, ये 4th वीडियो है जनरल एक्सरसाइज एंड वार्मिंग एक्सरसाइज। इससे अगली 5th वीडियो में आपको मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और 6th वीडियो में स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर एथलेटिक्स, एथलेटिक्स ABC रनिंग किसको कहते हैं, तो वो मैं आपको ABC रनिंग के बारे में करके दिखाऊंगा और जो होगा बताऊंगा। Thank you. Goodbye.